वेलकम टू पेपकोनिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्रिएट सॉर्टेड एरे थ्रू इंस्ट्रक्शंस सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन फेनविक ट्री बेस्ड है। ओके, सो अगर आपने अब तक फेनविक ट्री की वीडियो को नहीं देखा तो पहले उसे देख लो, तभी ये समझ पाओगे, अदरवाइज काफ़ी पंगा होगा। ओके, सो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करता हूँ क्या दे रखा आपको। सो एक इंस्ट्रक्शन एरे आपके पास, ओके, इस गिवन एरे के एक एक बंदे को आप एक न्यू एरे, एक नम्स नाम के एरे में ऐड करना चाहते हो, वन बाई वन आप ऐड करना चाहते हो। एंड आप एक कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो ऐड करते टाइम ऐड करने की कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो आप। एंड कॉस्ट डिफाइंड कैसे, सो एक नंबर आपने ऐड करा, सबसे पहले वन आपने ऐड करा, तो एक नंबर अगर आप ऐड करते हो देन उस नंबर से स्मॉलर जितने नंबर ऑलरेडी नम्स में अवेलेबल है वो स्मॉलर, एंड वो सभी नंबर जो से ग्रेटर, वन से ग्रेटर जितने भी नंबर है, इन दोनों का जो मिन है, इन दोनों के काउंट का जो मिन, वन से छोटे कितने नंबर्स है, वन से बड़े कितने नंबर्स है, उन दोनों का मिन निकाल लो, वो अपने कॉस्ट में ऐड कर दोगे। जैसे वन के लिए, वन मैंने ऐड करा, वन से स्मॉलर कोई भी नहीं था गिवन एरे में, क्यों, नम्स एम्प्टी था यार। वन से ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो ये पहला बंदा है, तो अभी जीरो और जीरो का मिन निकालोगे, दैट इज़ जीरो, तो कॉस्ट में आपने सिंपली जीरो ऐड कर दिया। थ्री आपने ऐड करा, एंड नम्स को ऐड करते रहे, नम्स एरे सॉर्टेड रखना है आपको। ओके, थ्री आपने ऐड करा, ऐड हो गया, थ्री से स्मॉलर एक वन है, ग्रेटर कोई भी नहीं है, सो स्मॉलर इज़ वन, एक बंदा स्मॉलर है एंड ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो 1,0 का मीन इज अगेन जीरो, अभी भी कॉस्ट जीरो है। एक और थ्री आपने ऐड करा, तो सॉर्टेड रखने के लिए थ्री यहाँ ऐड करोगे, इसे स्ट्रिक्टली स्मॉलर, इक्वल टू वाले को कंसिडर नहीं करना है, स्ट्रिक्टली स्मॉलर एक है, ग्रेटर एक भी नहीं है, अगेन 1,0 का मिनिमम इज जीरो। टू आपने ऐड करा, टू ऐड करा तो आप यहाँ इंसर्ट करोगे समथिंग, एंड टू से स्मॉलर एक बंदा है, ग्रेटर दो बंदे हैं, 1,2 मिनिमम इज़ वन, सो वन ऐड कर दिया आपने। देन थ्री ऐड करा, थ्री से ग्रेटर कोई भी नहीं है तो ज़ीरो आएगा। देन आपने थ्री के बाद फोर ऐड करा, कोई भी नहीं है, ग्रेटर फोर से कोई भी नहीं है, तो अगेन इधर कुछ फाइव आ जाएगा, इधर कुछ जीरो, फाइव एंड जीरो का मिनिमम इज़ जीरो, जीरो ऐड कर दिया आपने। देन टू ऐड करा, जैसे आप टू ऐड करोगे, टू से स्मॉलर एक बंदा एंड ग्रेटर चार बंदे हैं, तीन तीन और एक चार, सो 1,4 का मिन इज़ अगेन वन, सो ये आपने ऐड कर दिया। एक और टू, देन एक वन ऐड करा, वन से स्मॉलर कोई भी नहीं है, देन एक टू ऐड करा, टू से स्मॉलर दो वन है एंड पाँच चार ग्रेटर नंबर है, तो टू एंड चार का मिन इज़ टू, सो टोटल आंसर आपका फोर है। ओके, आप ऐसा कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो, सो देखते हैं इसे कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक फेनविक एरे क्रिएट करूँगा। फेनविक एरे में मैं क्या रखने वाला हूँ, बिट्स के बेसिस पे काउंट, मीनिंग आपके पास जो इंस्ट्रक्शन एरे दे रखा है इनिशियली, उसमें मैक्सिमम 10^5 नंबर पॉसिबल है, लेंथ भी 10^5 पॉसिबल है, एंड एक गिवन इंडेक्स पे 10^5 नंबर्स ही हो सकते हैं। आप कंस्ट्रेंट से चेक कर सकते हो, ये रहा आपका कंस्ट्रेंट, ये रहा 10^5 मैक्सिमम इंस्ट्रक्शंस ऑफ आई एंड इंस्ट्रक्शंस डॉट लेंथ, दोनों ही 10^5 पॉसिबल है, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं। ओके, सो अगर 10^5 पॉसिबल है तो मैं एक फेनविक एरे बनाऊंगा 10^5 प्लस वन का, क्यों, ऑफकोर्स वन बेस्ड इंडेक्सिंग हम करते हैं, उसकी वजह से मैंने वो कर दिया। अब मैं काउंट करूँगा क्या, जैसे वन मिला मुझे तो मैं अपने कॉस्ट में पता है क्या ऐड करना चाहता हूँ, कॉस्ट में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यार वन से छोटे कितने हैं और वन से बड़े कितने हैं, उनका मिनिमम, राइट। वन से छोटे इस फेनविक एरे से मैं निकालूंगा, वन से बड़े इस फेनविक एरे से निकालूंगा, मुझे पता अभी फेनविक एरे में हर जगह जीरो जीरो होगा क्योंकि ये पहला बंदा है, तो अभी तो कॉस्ट में आपने जीरो ऐड कर दिया। उसके बाद अब वन का इम्पैक्ट भी आप फेनविक एरे में रख दोगे, वन का इम्पैक्ट फेनविक एरे में रख दोगे, मतलब वन की काउंटिंग कर दोगे। सो वन का इम्पैक्ट अगर आप फेनविक एरे में रखना चाहते हो तो देखना कौन कौन से इंडेक्स पे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले इसे आप प्लस वन कर दोगे कि यार एक वन मिल गया, फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेटबिट में को ऐड करोगे, तो वो आपने ऐड करा तो यहाँ पे जीरो, फिर टू पे आ गया, टू पे भी आप प्लस वन कर दोगे, देखो टू में भी वन के काउंट को आपने रख रखा है। अभी मैंने फोर साइज ही बनाया क्योंकि फोर साइज की रिक्वायरमेंट है, फाइव साइज फोर्थ इंडेक्स तक उतनी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए अदरवाइज 10^5 तक होता है। ओके, फिर टू में फिर से आप इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट सेटबिट को ऐड करोगे, 100, दैट इज़ फोर, फोर पे जाके प्लस वन कर दोगे, यहाँ देख सकते हो आप फोर में भी वन का इम्पैक्ट आ रहा है। सो इन तीन इंडेक्सेस पे आपकी चेंजेस आएंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट थ्री मिला, अब ध्यान से सुनना, थ्री से स्मॉलर और थ्री से ग्रेटर बंदों को मैं कैसे निकालूंगा। सो थ्री से स्मॉलर मुझे निकालना है, तो पता मैं क्या करूँगा, फेनविक एरे में फाइंड आउट करने के लिए बोल दूंगा
फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो, जो कि यहाँ पे नंबर है, जो नंबर है वहाँ पे उसका माइनस वन या टू तक की चीज़ें, यार टू तक कितने बंदे हैं, तो आप फाइंड कैसे करोगे। अगेन वही फेनवी कैरे का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे सम की जगह सिर्फ काउंट है, जो मैंने फेनवी कैरे एक्सप्लेन कर रखा था फेनवी कैरे वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लो अगर नहीं देख रखा अभी भी, तो उसमें हमने सम ऐड करा था, यहाँ पे सम की जगह हम काउंटिंग कर रहे हैं, राइट। तो टू के लिए मैं क्या करूँगा, टू पे देखूँगा, सबसे पहले टू पे एक है तो मैंने वन रख लिया, और फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को माइनस कर दिया, सो माइनस करा तो ये ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आती बात ख़त्म, मतलब टू से छोटे छोटे सिर्फ एक नंबर है, फाइंड टू क्या निकाल कर देगा, सिर्फ वन। ठीक, फिर अब मैं क्या करूँगा, मुझे टू से ग्रेटर नंबर भी चाहिए, क्या टू से ग्रेटर अब तक कितने बंदे आ रखे हैं, तो टू से ग्रेटर नंबर निकालने के लिए पता, थ्री से ग्रेटर, नॉट टू से, एरे ऑफ आई इज थ्री, सो थ्री से ग्रेटर नंबर मुझे निकालने के लिए पता क्या करना होगा, मुझे सिर्फ क्या करना है कि यार थर्ड तक के नंबर को निकाल लो, थ्री से ग्रेटर नंबर चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, थर्ड तक नंबर, क्या अप टू तीन तक कितने नंबर आ रखे हैं, एंड अब तक जितने आ चुके हैं, अब तक जो एरे में इम्पैक्ट आप डाल चुके हो, अगर आप आईथ इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हो, देन आई बंदों को आप ऑलरेडी फेनवी कैरे में इंक्लूड कर चुके हो, नम्स एरे में ऑलरेडी आ रखा है, नम्स एरे एक्चुअली हम क्रिएट नहीं कर रहे, फेनवी कैरे में मेंटेन कर रहे हैं उसे, सो एक बंदा ऑलरेडी आ रखा है, तो उस वन से फाइंड थ्री माइनस कर दो, तो भाई टोटल एक बंदे को मैंने नम्स एरे में रख रखा है। अब आप ये बता दो, थ्री से छोटे, थ्री और उससे छोटे कितने बंदे हैं, टोटल में से अगर थ्री और उससे छोटे बंदों को मैंने माइनस कर दिया तो उससे ग्रेटर आ जाएंगे, तो फाइंड थ्री जैसे ही आप कॉल करोगे तो यहाँ से आपको ज़ीरो निकल कर आया, फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करोगे तो ज़ीरो वन ज़ीरो, टू से वन निकल कर आया, इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करोगे तो ज़ीरो पे आ जाओगे, तो एक बंदा, थ्री और उससे ग्रेटर, थ्री और उससे स्मॉलर सिर्फ एक नंबर निकल कर आया, उसे मैं किससे माइनस कर दूंगा, टोटल एक बंदे ही प्रोसेस हो रखे हैं, सो वन माइनस वन ज़ीरो, सो सिर्फ कोई भी नहीं है, थ्री से ग्रेटर एक भी नंबर नहीं है, सो टू से छोटे एक एंड थ्री से ग्रेटर ज़ीरो। ऑफकोर्स आप अगर मैं वर्चुअली नम बना दूँ तो आपके पास सिर्फ वन था, थ्री से छोटा एक मिल गया आपको फाइंड टू से, और आई माइनस, दिस इज़ नॉट वन माइनस, आई माइनस फाइंड ऑफ एरे ऑफ आई, उससे थ्री से ग्रेटर बंदे मिल जाते हैं, तो थ्री से ग्रेटर ज़ीरो मिल गया, दोनों का मिन निकालोगे ज़ीरो, सो कॉस्ट में आप ज़ीरो ऐड करोगे। सो ये तो अब तक था क्या, मेरे ऐड होने से पहले, मैं जब ऐड होना चाह रहा हूँ तो मेरे से छोटे कितने हैं, मेरे से बड़े कितने हैं, अब आपको ये पता करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, इसका थ्री का इम्पैक्ट फेनवी कैरे में दिखाना होगा, सच डैट नेक्स्ट बंदा जो है वो इस थ्री को भी कंसीडर कर सके, राइट। तो थ्री का इम्पैक्ट दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, थ्री की फ्रिक्वेंसी एक इंक्रीज हुई है, तो थ्री से ऊपर वाले बंदों में आप चेंजेस करने वाले हो, तो सबसे पहले थ्री पे प्लस वन कर दो, फिर थ्री के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऐड करो, सो इसमें आपने ये ऐड करा, तो यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वन, वन डबल ज़ीरो, यहाँ पे भी जाकर आप ऐड कर दोगे, क्यों, देखो फोर में थ्री का भी इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होता है, फेनवी कह रहे कि फोर्थ इंडेक्स पे थर्ड इंडेक्स का भी इम्पैक्ट आता है, ये रहा आपका, सो यहाँ पे भी आपने टू कर दिया, ओके। अब देखना फिर से थ्री आया, एक और थ्री, सो थ्री आया, तो अगेन मैं फाइंड टू कॉल करूँगा, पहले फाइंड एरे ऑफ आई माइनस वन, एरे ऑफ आई माइनस वन, फाइंड टू, फाइंड टू से क्या निकल कर आएगा, टू से स्मॉलर, राइट, टू या उससे स्मॉलर कितने बंदे हैं, सो एरे ऑफ आई माइनस वन जैसे ही मैंने कॉल करा, तो टू या उससे स्मॉलर पता करने के लिए आप सेकेंड इंडेक्स पे जाओगे, वन देखोगे, फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ कर दोगे, नीचे की तरफ जाना होता है, राइट, जब फाइंड करना होता है, तो सो जब आप ऑफ करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो पे बात खत्म हो जाएगी, मतलब थ्री से छोटे छोटे, टू या उससे छोटे वाले बंदे सिर्फ एक है, थ्री से स्ट्रिक्टली छोटे, टू से स्मॉलर देन इक्वल टू का सिर्फ एक था, फिर अब आप फाइंड कॉल करोगे, पता है किसका फाइंड कॉल करोगे, सिंपली एरे ऑफ आई का, फाइंड थ्री कॉल करोगे, फाइंड थ्री पता है क्या निकाल कर देगा, थ्री या उससे छोटे कितने बंदे हैं, और उसे आई से माइनस कर दोगे, आई से क्यों माइनस कर रहा हूँ भाई, इसे कंसीडर करने से पहले मेरे से पहले टोटल दो बंदे थे, अगर तीन से एरे ऑफ आई से छोटे छोटे वाले बंदे आप निकाल लोगे, अगर जितने भी हुए उसे मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से माइनस कर दूंगा तो थ्री से ग्रेटर बंदे मिल जाएंगे, तो यही कर रहा हूँ मैं, यही कर रहा हूँ, सो फाइंड एरे ऑफ आई जैसे ही आप करोगे, जैसे आप फाइंड एरे ऑफ आई करोगे, आपको थ्री से छोटे बंदे मिल जाएंगे, कैसे, थर्ड इंडेक्स पे जाकर वन को पहले कंसीडर करो, इसके लिए सिर्फ इसके लिए वन, फिर थ्री के लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करोगे तो ज़ीरो वन ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो वन ज़ीरो पे फिर से आप वन जाओगे, वन ऐड कर दिया, टू, फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करोगे डायरेक्टली ज़ीरो पे आ जाओगे, सो टोटल दो बंदे हैं, थ्री या उससे स्मॉलर, देख सकते हो ये रहे वन एंड थ्री है, दोनों ही
थ्री है उससे स्मॉलर है, तो थ्री से ग्रेटर कितने बंदे हुए, जितने टोटल थे उसमें से इसे माइनस कर दोगे, सो आई की वैल्यू टू है, दो बंदे थे सेकंड इंडेक्स पे अगर आपको, तो उससे पहले दो बंदे आ चुके हैं, टू माइनस टू इज जीरो, सो थ्री से ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर एक भी नहीं है। अगेन इन दोनों का मिन लोगे जीरो एंड वन का मिन इज जीरो, जीरो आपने ऐड कर दिया। एक लास्ट टू के लिए ट्राई रन करेंगे, उसके बाद फिर कोड करने लग जाएंगे। सो टू की अगर मैं बात करूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, टू फाइंड आउट करना होगा, टू से छोटे कितने बंदे हैं, मिन ऑफ स्मॉलर एंड ग्रेटर आप निकालते हो, राइट। अभी आपके नम्स एरे में अगर मैं आपको विजुलाइज करवाऊँ, तो नम्स एरे में अभी आपके पास थ्री थ्री है, तो सबसे पहले निकालोगे एरे ऑफ आई माइनस वन के लिए फाइंड, टू से स्ट्रिक्टली छोटे कितने बंदे हैं, तो फाइंड को आप वन के लिए कॉल करोगे, वन के लिए आप जाओगे उसके फेनविक एरे के बंदे को ऐड कर दोगे, फिर उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेटबिट को ऑफ करोगे, जीरो पे चले गए, बात खत्म हो गई, राइट। फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, टू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर कितने बंदे हैं ये आपको निकालना है। टू से स्ट्रिक्टली ग्रेटर निकालने के लिए पता है आपको क्या करना होगा, टू या उससे छोटे, यहाँ पे हम वन या उससे छोटे बंदे निकाल रहे हैं, हम निकालने वाले टू या उससे छोटे बंदे जितने भी हैं वो निकाल लो, और उसे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से माइनस कर देना, आई से माइनस कर देना। तो फाइंड यहाँ पे हम वन के लिए कॉल कर रहे थे, टू से स्ट्रिक्टली छोटे सिर्फ एक मिला, अब फाइंड टू कॉल करूँगा, टू या उससे छोटे बंदे के लिए, टू पे जाओगे वन ऐड कर दोगे, फिर इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऑफ करोगे, तो जीरो पे पहुंच गए, जीरो वन जीरो से माइनस करोगे इसे, तो जीरो पे पहुंच गए, तो जीरो पे बात खत्म हो गई, टू या उससे छोटे बंदे सिर्फ एक है इतने रेंज में, राइट। तो टू से ग्रेटर कितने बंदे हो गए, टोटल कितने बंदे थे, अगर आई थर्ड पे मतलब तीन बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो थ्री से ये वन माइनस कर दो, दो बंदे टू से ग्रेटर है, दोनों थ्री, राइट। तो अब कॉस्ट में पता है आपको क्या ऐड करना होगा, मिन ऑफ वन एंड टू, मिन ऑफ वन एंड टू इज वन, सो कॉस्ट आपकी अब तक के लिए कॉस्ट वन आ गई, अभी तक कॉस्ट वन आ गई, फिर ऐसे ही थ्री फोर टू वन टू के लिए करते रहोगे और निकाल पाओगे। तो सिंपल सा ये फेनविक, हमने फेनविक सम के लिए पढ़ रखा था, ये फेनविक काउंट के लिए है, ओके, और कुछ नहीं, ओके। सो जल्दी से इसे कोड कर लेते हैं, इसे कोड करते हैं, देखते हैं कि यार कोड हम इसे कैसे कर पाएंगे। सो ये रहा आपका क्वेश्चन। सो इसमें मैंने इनपुट ले रखा है, इनपुट लेने के बाद क्रिएट सॉर्टेड एरे नाम के एक एरे में मैंने पास कर दिया, क्रिएट सॉर्टेड एरे के एरे में हमने पास कर दिया। अब वहाँ जाते ही सबसे पहले तो हम कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट जीरो इनिशियली, ये कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होगा। फिर एक फेनविक एरे आप बनाओगे, फेनविक एरे हम ग्लोबल बनाते हो, मैंने बना रखा है, सो फेनविक एरे को आप इनिशियलाइज कर दो, फेनविक एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, एंड इसे 10 की पावर 5 प्लस 1 से इनिशियलाइज करना है। 10 की पावर 5 प्लस 1 से हम क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि भाई एरे ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 5 हो सकती है, तो फिर भी कह रहे हैं हम पोजीशन वाइज रखते हैं, तो 10 की पावर 5 प्लस 1 एरे चाहिए सच डेट लास्ट इंडेक्स 10 की पावर 5 हो, ओके। फिर अब हमारे पास गिवन एरे जो ए एरे, ये इंस्ट्रक्शन एरे है, ये इंस्ट्रक्शन एरे, इसे नाम भी दे दो इंस्ट्रक्शन एरे लेट से, ओके। सो इसे इंस्ट्रक्शन एरे पे हम ट्रैवल करने वाले हैं, तो ये रहा फॉर इन आई इक्वल टू जीरो, आई स्मॉलर देन इंस्ट्रक्शन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, हमने इंस्ट्रक्शन एरे पे कॉल कर दिया, ठीक है, इसे मैं फुल स्क्रीन कर दूँ एक बार, हाँ, तो इंस्ट्रक्शन एरे पे हमने कॉल कर दिया। अब कॉस्ट हम निकालना चाहते हैं, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए होगा स्मॉलर, फिर स्मॉलर कितने बंदे हैं, सो स्मॉलर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, गेट फाइंड जो मैं बता रहा था यहाँ पे नाम गेट है, लेट्स से इसे फाइंड लिख देता हूँ, सो स्मॉलर बंदे फाइंड आउट करने का काम कर रहा है, ये रहा फाइंड में हम कॉल करेंगे सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसके आईएथ इंडेक्स पे चले जाओ, उसमें जो वैल्यू है माइनस वन, स्ट्रिक्टली स्मॉलर बंदे चाहिए स्मॉलर के लिए, राइट। तो स्मॉलर हमने निकाल लिया, स्मॉलर ये फाइंड का काम है, फाइंड हमें निकाल कर दे देगा। फिर लार्जर हम निकालना चाहते हैं कि भाई एरे ऑफ आई से ग्रेटर कितने बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर कितने बंदे आ चुके हैं, तो इसके लिए हमें करना होगा पहले फाइंड को कॉल करो, फाइंड के लिए किसे कॉल करो, इंस्ट्रक्शन ऑफ आई वाले बंदे पे एग्जैक्टली, और जो फाइंड से बंदे निकल कर आएंगे वो टू या उससे छोटे होंगे, अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू टू है तो टू या उससे छोटे होंगे, तो अब तक जितने बंदे आ रहे हैं उसमें से माइनस कर दो, टू या उससे छोटे उसे अगर आप माइनस कर दोगे टोटल बंदे से, तो टू से ग्रेटर कितने बंदे थे ये आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब ये आपने निकाल लिया, अब आपने कॉस्ट में ऐड कर दो, कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, कॉस्ट प्लस इक्वल टू सिंपली मैथ डॉट मिन ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर, ग्रेटर बंदे लार्जर ग्रेटर, इन दोनों में से जो मिनिमम है वो। फिर अब आप जिस आईएथ बंदे को इंक्लूड करने के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करा, अभी आपने कॉस्ट में प्लस माइनस करा, प्लस इक्वल टू करा, उसे
फिन भी कह रहे मैं रिफ्लेक्ट करवा दोगे सच डैट नेक्स्ट आई वाले बंदे उसे भी यूज़ कर सके राइट. तो अपडेट आप कॉल कर दोगे. अपडेट किसके लिए कॉल कर दोगे? इंस्ट्रक्शन ऑफ जो आईएस बंदा है उसके लिए. अपडेट क्या करेगा? फिनवी कह रहे कि जिस इंडेक्स पे उसे रिफ्लेक्ट करवाना था वो रिफ्लेक्ट कर देगा और यहाँ से आपका रिटर्न कॉस्ट हो जाएगा. सो अब देखते हैं अपडेट. अपडेट कैसे करता है काम? अपडेट क्या करता है? एक गिवन बंदा अगर काउंट हो रखा है तो उससे ऊपर ऊपर वाले बंदे में इम्पैक्ट डालेगा वो राइट. तो ये देखो जब तक हमारे एक्स की वैल्यू जिसके जिस जिस पे आप क्या कॉल कर रहे हो अपडेट में क्या कॉल कर रहे हो इंस्ट्रक्शन ऑफ आई आईएथ बंदे को काउंट कर रहे हो उस इंडेक्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा राइट. तो जिस इंडेक्स पे उसका इम्पैक्ट आना है वो जब तक आपके रेंज में है. रेंज आपको पता है क्या? 10^5 तक है सिर्फ. 10^5+1 तक है. तो ये 10^5+1. अब क्या करो? फेनवी कैरे में प्लस प्लस कर दो. फेनवी कैरे के एक्स में सिर्फ प्लस प्लस. जब हम सम निकाल रहे होते थे तो जो वैल्यू होती थी इंडेक्स के साथ साथ हम वैल्यू को ऐड करते थे. यहाँ सिर्फ प्लस प्लस. क्यों? सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं. अब अपडेट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्स प्लस इक्वल टू कर दो. क्या प्लस इक्वल टू कर दो? वही लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट को ऐड. तो एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स से लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट आप निकाल कर लाते हो उसे आप प्लस इक्वल टू कर दोगे राइट. बस इतना ही आपका अपडेट. अब ये अपडेट हो गया. फाइंड कितने बंदे मेरे से एक अगर आपको इंडेक्स मिल रखा है एक्स इंडेक्स उससे छोटे कितने बंदे ये निकालना है. तो ये आपका काउंट कितने बंदे ये आप काउंट करना चाहते हो. सो जब तक आपके इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है तब तक काम करोगे आप. तब तक क्या काम करोगे? जो आपका काउंट है उसमें प्लस इक्वल टू कर दो. पहले तो क्या प्लस इक्वल टू कर दो? फेनवी कह रहे कि एक्स इंडेक्स पे जो वैल्यू है फेनवी कह रहे ऑफ एक्स पे जो वैल्यू है फिर जो एक्स इंडेक्स है उसमें से माइनस कर दो. क्या माइनस कर दो? एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स. ये रहा. सो लीस्ट सिग्निफिकेंट सेट बिट माइनस कर दिया. नीचे की तरफ जा रहा हूँ. अब यहाँ से निकल कर रिटर्न कर दो जो भी आपने काउंट कर रखा है. सो ये था आपका सिंपल सा. क्या एक बंदे को ऐड करते हुए उसके स्मॉलर उससे ग्रेटर बंदे निकाल लो और अपडेट और फाइंड ऐसे कर लो. ओके सो फेनवी कैरे को आप ऐसे सम के अलावा काउंटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो. इसे जल्दी से रन करता हूँ. सो ये क्या एक्सेप्ट इसे सबमिट कर दो. ओके सो ये करेक्ट आंसर आ गया राइट. सो ये रहा आपका कोड. इसे आप काउंट के लिए भी यूज़ कर सकते हो फेनवी कैरे को. ओके सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए बाय.